इतनी भयंकर भीड़ है, तो ये विफल नहीं हुआ। बहुत बड़ा ये आंदोलन है, लंबा चल, लोग विरोध करेंगे, अपील भी करेंगे और इस पर पुनर्विचार की जो है याचिका। हाँ, विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, पुनर्विचार खातिर याचिका भी डालेंगे। बाराबंकी के सांसद चंद्रपुनिया जी देखा तो भैया बाराबंकी की सड़कन पर उतर जाती है, नीला अंगोछा डाल करके बहुत जोर से नारेबाजी करती है। हम कह लो आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है, SC ST आरक्षण मां क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ वही के विरोध में दलित और बहुजन संगठन द्वारा पूरे बखदा देश भरे में भारत बंद का आह्वान किया गया है। जी का लेकर के देखा थे बाराबंकी में भी प्रदर्शन हुआ और इमा बखदा शामिल हुआ खतर। बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी, उनके साथ बखदा पूर्व सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी भी दिखाई देते हैं। इस दरमियान तरीके सुनो भैया पत्रकार और बातचीत करती है तो सांसद जी कहते हैं देखो भैया हम याचिका भी डालेंगे, विरोध भी करेंगे। और तनिक सुनो का कहा रहा है, आज प्रदर्शन किया है, क्या था पूरा मामला? देखिए यहाँ आज पूरे देश में इस दलित समाज का धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन था। और ये जो सिस्टम है आज, जिस सिस्टम जो सरकार नहीं रख पा रही है, जनता का पक्ष, दलित समाज का पक्ष नहीं रख पा रही है सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग उसके विरोध में। देखिए ये आज जो आरक्षण है ये कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं हुआ है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इसका आधार जो सामाजिक स्थितियां बनी थी हजारों सालों से, उस सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, समाज में जो उत्पीड़न हुआ है हजारों सालों से हुआ है, उसके आधार पर ही आरक्षण दिया था। तो ये आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर बनाने के हम लोग विरोध में हैं। और सबसे मुख्य बात, दलित समाज के बीच में खंड बना करके, अलग अलग वर्ग बना करके, अलग अलग स्लैब बना के भी विरोध में हम लोग हैं। ये हमारे अम्बेडकर छात्रावास से बाबा साहब को मल्यार्पण करते हुए निकला है कि हम सरदार पटेल जी के मूर्ति में प्रतिमा में। अगला स्टेप आपका क्या होगा? बहकाने की बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, सरकार को समाज का पक्ष मजबूती से रखना था। इतने मजबूत तथ्य है, इतने मजबूत उसमें केस बनता है कि अगर ढंग से लड़ते तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी ये बात समझता और ऐसा कोई आदेश ना होते। हम लोग विरोध करेंगे, अपील भी करेंगे और इस पर पुनर्विचार की जो है याचिका भी डालेंगे। देखिए इसका विरोध करना है ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा समाज, क्योंकि हमने देखिए सामाजिक रूप से दबाएंगे। अगर आर्थिक आधार होता तो अब बड़े बड़े अफसर प्रमोशन में रिजर्वेशन क्यों मांगते? जो बड़े बड़े पद पे लोग हैं उनके साथ भी आज उत्पीड़न हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। तो यही बात है, आर्थिक आधार नहीं होता, ये सामाजिक आधार पे जो है बाबा साहब ने हमको दिया। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, पूरा लखनऊ जाम है, पूरा बाराबंकी जाम है, यहाँ हजारों लोग यहाँ मौजूद है, तो कहाँ से विफल हो गया समाज निकल कर क्या है? और ये जब बारिश भयंकर हुई है, सारे लोग आ भी नहीं पाए, तब इतनी भयंकर भीड़ है, तो ये विफल नहीं हुआ। बहुत बड़ा ये आंदोलन है, लंबा चलने वाला आंदोलन। अब दलितों के हक की आवाज उठाएंगे भैया, और देखा तो भैया विरोध भी करेंगे और याचिका भी डालेंगे। बातें तो आपने सुन ली भैया। इस दरमियान देखा तो पूर्व सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद मुसीन जी और तमाम बखदा समर्थक और दिखाई दिए। बाकी आपकी कार्यक्रम की दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी जिले के समाजवादी पार्टी दफ्तर में आज बखदा देखा तो भैया सब जने मिलकर के मौलाना महराज जी को याद कर रहे थे। हम कल तरीके आपका दिखा दी, बाकी आपकी कार्यक्रम की दूसरा खबर देख लो। अब देखो कल बाराबंकी जिले के बगले मैया तनिक आगे बढ़ जाइए तो रायबरेली पड़ जाती है, जहां पर देखा तो राहुल गांधी जा रहे हैं। इसमें बकायदा बाराबंकी के सांसद चंद्रपुनिया जी देखा थे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का स्वागत करने खातिर पहुंचा रहे हैं। हम कल तनिक आपका दिखा दी, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्वयं साहब जी को इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करो भैया, कहीं ना पड़ती है, सब्सक्राइब कर लो यार, बटन दबाओ फटाक से।